Hey guys, it's me Shanvika. Hope you are doing well and welcome to my channel Glamorous Thikana. So, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाओ के सनस्क्रीन लोशन का रिव्यू जो कि वाटर बेस्ड और साथ में ही इसके अंदर स्प्रे एप्लीकेशन आती है. किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है कंप्लीट डेमो आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारी स्किन को लेकर, किस तरीके से ये प्रोटेक्शन पावर हमारी स्किन को देकर, इन सभी की डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए. सो विदाउट एनी फर्दर डूइंग लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन लोशन की प्राइस एंड पैकेजिंग के बारे में. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 399 रुपीज में ये हमें 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है. और यहाँ पर अगर हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो सिंपल सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें कुछ इस तरीके की स्प्रे बॉटल मिलती है. ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है एंड ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है. और अगर हम इसके SPF की बात करते हैं तो 30 SPF इसके अंदर हमें मिलता है. और अगर हम अदर इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं UVB और UVA रेस से. तो फ्रेंड्स, अगर किसी सनस्क्रीन लोशन में इस तरीके की प्रोटेक्टिंग पावर नहीं है कि जो हमारी स्किन को UVB और UVA रेस से प्रोटेक्ट करके रखे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन फेस कर सकती है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंग्रेडिएंट इस तरीके के होने चाहिए जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखे सन के हार्मफुल रेस से. साथ में इसके अंदर सिलिकन, पैराबेन, SLS और साथ में ही ऑक्साइड कलर ऐड नहीं किए गए, तो ये बेस्ट पार्ट इसका हो जाता है. एंड फ्रेंड्स, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं. अब देख लेते हैं कि इसे हमें यूज़ किस तरीके से करना है. सो गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको यूज़ करने का. इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको अच्छी तरीके से शेक करना है ताकि इसके अंदर जितना भी इन्फ्यूज्ड ऑयल है वो इवनली इसमें मिक्स हो जाए और हम अपने स्किन पर इसको स्प्रेड कर सकें. अच्छी तरीके से इसको शेक करने के बाद आपको मेंटेन करके रखनी है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अपने फेस से और इसको अपने फेस पर इवनली कर लेना है अप्लाई. 20 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखनी है और इसके बाद इवनली अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है. और आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं जब कभी भी आपको फील हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, आपकी स्किन को अगेन प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सन के हार्मफुल रेस से, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं 2 to 3 hours बाद. अब देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं. इसके फर्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट करके रखता है क्योंकि इसके अंदर वाटर फॉर्मुलेशन दिया गया है. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यहाँ पर सनस्क्रीन स्प्रे हमें मिल जाता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट तो करके रखता है, साथ में ही ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है सन की हार्श रेस से. बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आपको अपने फेस पर इवनली अप्लाई करना है और ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगा 2 to 3 hours. उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना है. अगर आप घर पर ही हैं तो आपको ये एक बार ही अप्लाई करना है. अगर आप बाहर सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं तो वहाँ पर आप इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए. थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं तो इसके अंदर SPF 30++ भी ऐड किया गया है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट, ये नॉन स्टिकी है, नॉन पैची है एंड नॉन ऑयली है, तो यानी कि ऑयली स्किन पर और ड्राई स्किन पर और साथ में ही कॉम्बिनेशन स्किन पर आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इवनली हमारे फेस पर स्प्रेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वाटर बेस इसके अंदर दिया गया है. साथ में ही ये एंटी सन एंड एंटी पोल्यूशन बैरियर है हमारी स्किन के लिए, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के संपर्क में आती है और सन की रेज में आती है तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा. साथ में आप इसको मेकअप के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, तो ये इसका बहुत ही बेस्ट पार्ट हो जाता है कि अगर आप डे में मेकअप कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लोशन को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज ना हो, तो इस तरीके का वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप मेकअप के ऊपर इस तरीके का सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके अंदर पैराबिन, सिलिकन और किसी भी तरीके का ऑक्साइड कलर ऐड नहीं किया गया है. अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की डिसएडवांटेजेस की तो प्राइस वाइज ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, अदरवाइज यहाँ पर ये जो सनस्क्रीन लोशन है ये बहुत ही बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है. इवन अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तो डेफिनेटली आप इस तरीके के वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लोशन को अप्लाई कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करके रखेगा एंड हाइड्रेट भी करके रखेगा. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही. होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी. आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप डेली लाइफ में कौन सा सनस्क्रीन लोशन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं. और इसी के साथ इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ था, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, टिल देन बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.